FBR पाकिस्तान ने कोई टैक्स नहीं दिया था ना, उन्होंने वहाँ दिया था, वो उसका वो पैसा जो है उसने उसी को दिलवा दिया और इमरान खान साहब से वो करवा दिया कैबिनेट से अप्रूव, पूरी कैबिनेट फंस गई उसमें। दूसरा इनका जो है वो अभी केस चल रहा है, ये जो इन्होंने तकरीर कर दी थी JIT में पेश हुए जी। अब मुझे बताया ना JIT में इनको मतलब इनका क्या ताल्लुक था, उन्होंने उठा के एक तकरीर कर दी और तकरीर जो है उसके खिलाफ जो है वो अपने ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, जो पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि सरकारी अफसर को आप उसके सरकारी फराइज की अंजाम दही में रुकावट डालेंगे तो दहशतगर्दी है वो, ऐसे सिंपल। इन्होंने तो सरकारी अफसर जो है वो चीफ क्या IG पुलिस जो था वो बड़ा ईमानदार डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा यानी आदमी है, एक वक्त आएगा जब उसका नाम जो है इमरान खान से ज़्यादा हिस्ट्री में जाएगा कि वो डॉक्टर फलाना जो है उसके वक्त में इमरान खान भी प्राइम मिनिस्टर था, उसको इन्होंने तड़ी दे दी हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन। अरे भाई वो सरकारी अमल पे आप एक्शन नहीं ले सकते, तो उसकी वजह से ये हुआ कि वो और वहाँ के जो DSP SP से उस पूरी की पूरी पुलिस फोर्स के अंदर जो है वो यानी ये ब्लैकमेलिंग का ये वही है कि अल्ताफ हुसैन जो वहाँ से कहते थे कि तुम एक गोली की मारो तो सारे लोग डर जाते थे। मुझे याद है कि यहाँ पर एक जलसा हुआ था, अल्ताफ हुसैन ने नवाज शरीफ को बुलाया था, ये 1990 या 1988 की बात है, प्राइम मिनिस्टर थे वो शायद 1992 में कायद अजम के मदार पे, तो BBC ने वहाँ पे अनाउंस किया कि ये 40,000 लोग आए हैं, अल्लाह हुसैन ये कैसे कह रहा है 40,000 है, उसने 5 मिनट के बाद कह दिया ये 2 लाख आदमी हैं, कैसे कह रहा है 2 लाख, उसने कह दिया 40 लाख आदमी हैं, मतलब डरते थे किडनेप हो जाते थे लोग जो है सारे के सारे, ये वो इन्होंने डर पैदा करवाया इमरान खान से करवा के ये, फिर एक जज के खिलाफ उसकी नाम लेके और उसको एक रजिस्टर का देखे ना, अगर अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल उसको आप मेजर कह दोगे तो कैसा लगेगा उसको,